हेलो असलम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तुम्हारा आज का टॉपिक, आपने फेसबुक पे कोई वीडियो अपलोड की हुई है या कोई पिक्चर, उसको इस तरह थ्री डॉट पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे रिसाइकल बिन पे क्लिक करते हैं और मूव कर देते हैं रिसाइकल बिन पे। उसको आप वापस रिकवर करना चाहते हैं या फिर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, महाराज का ये टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो वाली आप तक पहुँच सकें। चलते हैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप फेसबुक को ओपन करते हैं, इस तरह से आपको फेसबुक दिखाई देती है। यहाँ पर आपने प्रोफाइल पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है अपने जो अकाउंट होगा उसकी प्रोफाइल पर, ठीक है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मैनेज पोस्ट्स, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन रिसाइकल बिन का नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपने ये करना है, सिंपली यहाँ पे ऊपर आपने थ्री डॉट पे प्रोफाइल पे आपने क्लिक कर लेना। वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है लेकिन वहाँ से आप रिकवर नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्टिविटी लॉक, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा रिसाइकल बिन, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो भी वीडियो आपने रिसाइकल बिन में आपने की होगी यहाँ पे आपको शो कर गया 29 डेज लेफ्ट, ठीक है। अभी मैंने की मतलब 30 दिन तक आप इसको वापस रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है इस जगह, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। एक होगा आर्चीव और दूसरा होगा जो है यहाँ पे रिस्टोर, और यहाँ पे थ्री डॉट भी आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाले, ठीक है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है आर्चीव का, रिस्टोर का और डिलीट का। आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट पे आपने क्लिक करना है, रिस्टोर पे क्लिक करना चाहते हैं रिस्टोर करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपकी जो है गैलरी में वापस इसकी फेसबुक की जो पोस्ट हैं उनमें शो करे, तो इस पे रिस्टोर पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इन दोनों में से आपने किसी एक पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डिपेंड करता है आप रिस्टोर करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं रिस्टोर करना चाहता हूँ, जैसे ही मैं रिस्टोर पर क्लिक करूँगा तो वो मेरी पोस्ट में वापस आ जाएगी वो वाली पोस्ट, ठीक है। डिलीट करूँगा तो पक्की वो डिलीट हो जाएगी, मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देगी, उसको मैं रिकवर वापस नहीं कर सकूँगा। तो इस तरह फेसबुक की जो पोस्ट हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके ने डिलीट किया तो उनको आपको दोबारा से रिसाइकल बिन से परमानेंट डिलीट करना चाहते हो, इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आखिर पे मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।